पैसा मंगाएगा, पैसा मांगता है, इसलिए नंबर प्लेट कोई नहीं रखता है। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हूँ मैं मुरे टाउन, द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। सबसे पहले तो मैं आपको इस टाउन के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो बताता हूँ और उसके बाद इस टाउन को हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टाउन है ये पड़ती है AH1 के ऊपर। AH1 बोले तो एशियन हाईवे जो स्टार्ट होता है जापान से, जो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, थाईलैंड, बर्मा, इन सारी कंट्रीज़ को कवर करते हुए इंडिया के थ्रू टर्की तक चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब म्यांमार रोड क्रॉस करके जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुरे होते हुए ही म्यांमार के अंदर एंट्री लेते हैं, या फिर जो म्यांमार से लोग इंडिया आते हैं उनको भी इसी रास्ते से इंडिया के अंदर आना होता है। और मुरे टाउन को नॉर्थ ईस्ट का स्मगलिंग हब भी बोला जाता है। या तो उस पार से जो इलीगल चीज़ें इधर आती हैं या फिर इस पार से जो इलीगल चीज़ें उधर जाती हैं वो मोस्टली इसी टाउन के थ्रू होते हुए ही जाती हैं। What's your name? My name is John. ये जो आपको सामने घर दिख रहे हैं ना सारे के सारे बर्मा में, और यहाँ की फेंसिंग देखो भाई, पहले नहीं था, पहले ये तारे भी नहीं बिछा हुआ था। ये कब बिछा है? कोरोना से पहले यहाँ तारे भी नहीं था। दादा ये ब्रिज कितना पुराना है? थैंक यू प्रेम भाई। वेलकम टू द इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। अभी म्यांमार में मिलिट्री को और जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसके कारण से ये जो ब्रिज है इसको बंद कर दिया है। नहीं, नॉर्मली इस ब्रिज के थ्रू आप इंडिया से म्यांमार या फिर म्यांमार से इंडिया आ सकते हो या जा सकते हो। और बहुत से लोगों की आपने यहाँ पर फोटोज़ देखी होंगी। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो है ब्रिज जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था, और सामने रह गया बर्मा, बीच में ये नदी। अभी हूँ मैं अपने इंडिया वाले पार्ट के अंदर। ये नदी उधर से आ रही है इंडिया में और आगे जाके ये बर्मा के अंदर चली जाएगी। मुरे के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आपको मणिपुरी लोग मिलेंगे। अगर डेमोग्राफिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कुकी लोग। कुकी लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ के हिली रीजन में पाई जाती है। दूसरी है मैती, और उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी बिहारी लोग मिल जाएंगे, काफ़ी आपको तमिल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है तो यहाँ पे जो अपने पंजाब के लोग हैं वो भी बहुत बसे हुए हैं। यहाँ पे आपको बंगाली लोग भी मिल जाएंगे। एक छोटी सी टाउन होने के बाद भी यहाँ पर आपको एक मिनी इंडिया दिखेगा, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नदी से पानी निकालेगा। आप मुरे के अंदर सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है पेट्रोल, इसके अलावा है यहाँ पर एक स्कूटर मिलता है कैनबो। कल या आज सुबह एक दुकान पे बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो कैनबो स्कूटर है इसके पीछे मैंने कहीं पे भी नंबर प्लेट नहीं देखी, भाई क्या लफड़ा है ये? हाँ, जो बर्मा से यहाँ पे स्कूटर इंपोर्ट होता है, स्मगल होता है, उसके पीछे नंबर नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको नंबर लेना है तो उसके लिए आपको बिल भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इम्पोर्ट ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या। तो मुरे के अंदर जब आप आओगे आपको बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो जो कैनबो स्कूटर है उसकी कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है 30,000-40,000 रुपीज़, और वहीं जो अपनी इंडियन स्कूटी है वो यहाँ पे पड़ती होंगे लगभग 60,000-70,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें अगर आपको नंबर लेना है तो 10,000 रुपये और ले लीजिए। तो यहाँ पर लोग सिर्फ इसी एरिया में, अगर यहाँ से आप इम्फाल जाओगे ना तब रास्ते में आपको पुलिस पक्का पकड़ लेगी, लेकिन इन्हीं इस 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में आपको घूमना है तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला। आप यहाँ पर बर्मा से वो स्कूटर लाकर घुमा सकते हो। और यहाँ पर स्मगलिंग होती है लकड़ी की, और वो वाली जो स्मगलिंग है वो किसी ने मुझे बताया था कि आजकल जब से बॉर्डर बंद हुआ है तब से थोड़ी जो सख्ताई है वो और ज़्यादा हो गई है। आपका नाम दादा? मोंटे सिंह। मोंटे सिंह जी। दादा यहाँ पे जो वो जो कैनबो स्कूटर आता है वो कैसे आता है? कैनबो स्कूटर वो बर्मा से लेके आते हैं यार? हाँ जी, बर्मा। यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए उसके लिए? नंबर नहीं चाहिए, स्मगलिंग होता है उसका, इलीगल। इलीगल। और पेट्रोल भी फिर बर्मा से ही आता है? पेट्रोल तो इंडिया तरफ से भी आता है और ये बर्मा तरफ से भी आता है। सस्ता कौन सा है? सस्ता तो बर्मा वाला है। कितने रुपये का है वो? अभी यहाँ लोकल में तो 55। और क्वालिटी कैसा है, अच्छा है क्या? क्वालिटी अच्छा है। थैंक यू दादा। ये देखिए भाई साहब अभी पेट्रोल लेके आए हैं,
और इस इंजन को स्टार्ट करेंगे। अभी टैंकर भर रहे हो क्या दादा? उधर नीचे नदी से पानी निकाल रहे हैं और इधर गो। दादा नॉर्मल टाइम में जब बॉर्डर खुला होता तो एंट्री यहीं से होती है क्या? ना यहीं से सीधे, यहीं से। कितने दिन का पास मिलता है? एक दिन का? अभी तो नहीं होता, वो पीछे पहले वो भी टाइमिंग है 4 PM तक। सुबह से? सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे से ना शाम 4 बजे तक, उसके बाद बाहर निकल। यहीं से एंट्री होता है? हाँ यहीं से एंट्री। ये वाला स्कूटर है इंडिया का है? इंडिया का। ये वाला तो इंडिया का, वर्मा का। ये वाला वर्मा का क्या है ना? अच्छा बर्मा था क्या? किधर से? वो रास्ते गेट वन से तुम लोग साहब ब्रिज मालूम है ना? हाँ उधर वो फ्रेंडशिप ब्रिज है। हाँ उस उधर से, लेकिन वो तो बंद है। उससे आगे भी एक रास्ता है क्या? ऐसे ही जाता है क्या? अभी चाबी गुम हो गया बोलो। हाँ बर्मा का मिलने से खोलेगा। ऐसे बोलते कि चाबी गुम हो गया? हाँ ऐसा बोलो। ये देखिए सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ना बर्मा का ही है। इमली इंडिया कोई भी माल नहीं आपके पास? सब कुछ वहीं से इंपोर्ट करते हो? ये बर्मिस कॉफी, सनफ्लावर, सनफ्लावर ओरिया का। अच्छा शेउ वी नो टाओ ना? क्या 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 क्या? शेउ नान टाओ बोलो का भाषा ना? बर्मा भाषा मालूम? बर्मा से आता क्या क्या यहाँ पे? बर्मा से वो इटेबल खाने का ना। हाँ। सब कुछ बर्मा का, थोड़ा मोरा बर्मा का है, आदर्श चाइना से। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है क्या यहाँ पे? हाँ। वो सारा चाइना का है? चाइना का भी है, थाईलैंड का भी है। दादा यही है क्या बर्मा का स्कूटर? हाँ। क्या बोलते हैं उसको? केनबो। हाँ। ये देखिए स्कूटर के नंबर प्लेट नहीं है। ये भाई साहब ने ऑटो खरीदा हुआ है, इंडिया का ही है, लेकिन इसके ऊपर भी नंबर प्लेट नहीं है। वो सामने वाले भैया आ रहे हैं, उनके ऑटो के ऊपर भी नंबर प्लेट नहीं है। दादा यहाँ पे लोग नंबर नहीं लेता क्या बाइक का? नंबर लेता है, नंबर अलाउड नहीं है। नहीं पंगांगांगनो, पंगांगांगनो नंबर लेता है सर। तो ये नंबर लगाता क्यों नहीं इधर? मतलब बर्मा में जाते हो तब दिक्कत होता है क्या? हाँ दिक्कत होता है बर्मा में, कभी कभी नंबर जाने का टाइम वो लोग नहीं जाने देता है। बर्मा कैसे लेके जाते हो उसको? बर्मा में वो ले लिया था, बिक्री कर रहे हैं। ये बर्मा से लिया है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं बर्मा में बिक्री होता है, लेकिन ये बर्मा में नंबर का कुछ थोड़ा दिक्कत देता है वो। तो जाते किधर से अभी? अभी जा सकते हो? नहीं नहीं, नहीं अभी बिल्कुल जा नहीं सकता, अभी बंद है। बंद नहीं अभी। जो पीछे आप मेरे देख रहे हो इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट, इसी गेट से लोगों की मूवमेंट होती है, लेकिन अभी कोविड और जो मिलिट्री क्यू है उसके कारण ये सारे की सारी चीज़ें होल्ड पर रख ली गई है। और यहाँ पर एक बड़ा मार्केट लगता है, और ये वही जो बर्मी स्कूटर है केनबो। यहाँ पर 90% जो टू व्हीलर हैं उनके ऊपर आपको नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली लोग टू व्हीलर को इंडिया से बर्मा, बर्मा से इंडिया लाते ले जाते रहते हैं, और इसी कारण से दोनों कंट्रीज़ में उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो यहाँ के लोग नंबर प्लेट ख़रीदते ही नहीं है। और जो चाइना मेड केनबो है उसके लिए तो नंबर प्लेट चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो टोटली इलीगल बर्मा से इम्पोर्ट होती है। इम्पोर्ट क्या, वहीं से ख़रीद के लेके आ जाते हैं लोग उसको। अन्ना तमिल संगम? हाँ सर यहाँ पे ही है। आगे? हाँ आगे आगे। आप भी उधर से ही हैं, तमिल से, तमिलनाडु? ना बिहार। नहीं नहीं आप बिहार से? हाँ। और अभी मैं जा रहा हूँ तमिल संगम, वहाँ पर एक टेंपल भी है, और यहाँ के जो तमिल लोग हैं उनकी एक एसोसिएशन भी है। और मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा क्यूरियस हूँ कि यार यहीं पर क्यों आए तमिल लोग? आपका नाम होगा? तवमणि। तवमणि, यस। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? मेरा माँ पिताजी लोग बर्मा से आया वाला है। बर्मा से? बर्मा से। बर्मा में इंडिपेंडेंस से पहले? इंडिपेंडेंस से पहले। हाँ वहाँ पे बिजनेस करता था? बिजनेस नहीं ऐसे खेती बाड़ी करता था। तो बर्मा में बहुत सारे तमिलनाडु के लोग रहते थे? हाँ पहले ये तो मतलब फैमिली पूरा परिवार पूरा बर्मा में था। पहले तमिलनाडु चले गए थे आप? हाँ ताकि वापस वापस इधर क्यों आए फिर? जाने के लिए, हमें वहाँ में बहुत तकलीफ हो गया। हाँ तो उधर में मतलब डेली रोटी वोटी खाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया, तो वापस आया करके इधर में रहना पड़ा। तो फिर अब इधर काम करते हैं? हाँ। सर तो कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पर तमिलनाडु में? लगभग
पहले 3000 फैमिली था। हाँ, अभी बीच में 1985 में थोड़ा क्लैश हो गया यहाँ में। किन के साथ? किन के साथ बोलने से, यहाँ में लोकल वाले से। अच्छा, लोकल लोगों के साथ क्लैश हुआ था। क्लैश हुआ था। हाँ, तो उसके उस टाइम में कुछ लोगों ने अपना फैमिली शिफ्टिंग करके चेन्नई चले गए। अच्छा, चेन्नई की तरफ चला गया अपना अपना। और अभी सिचुएशन कैसा है यहाँ पर? अभी सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। तो मेनली जो तमिल लोग हैं वो यहाँ पे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? बिजनेस से ही बोल नहीं सकता, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह मारवाड़ी है, पंजाबी है, बिहारी लोग है, दूसरा कुछ कम्युनिटी है, सब ऐसी बिजनेस ही। मैंने बर्मा में जो लोग तमिल थे वो इंडिपेंडेंस के बाद इधर मुरे की तरफ आ गए थे। हाँ। वो फिर वापस तमिलनाडु गए, लेकिन वहाँ पर काम हुआ नहीं तो वापस इधर आ गए। उस टाइम तकलीफ हो गया था बहुत, खाना पीने के लिए बहुत तकलीफ हो गया, तो वापस इधर लौटना पड़ा। तो और कौन कौन सी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ में ये जैसे मुरे बोलेगा मिनी इंडिया बोल देगा आपको। हाँ, यूपी का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, जयपुर का, राजस्थान का है, साउथ केरला का भी लोग, केरला के भी है, कर्नाटक का भी है। तो इधर डोसा वोसा मिलता है क्या कहीं? मिलता पे ना। किधर? वहाँ पे एक लक्ष्मी होटल करके एक होटल है, उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी सुबह मिल जाएगा। मणिपुर के अंदर एक साउथ इंडियन टेम्पल मिलना बहुत यूनिक चीज़ है। और मणिपुर में और भी कहीं है क्या दादा ना साउथ इंडियन लोग? यहीं पे हैं बस। तो गाइस, अगर आप में से कोई तमिलनाडु से ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार यहाँ पे आइए और यहाँ के जो तमिल लोग हैं उनकी हिस्ट्री को जानिए। कितना पुराना टेंपल है? पुराना 1967 का पुराना था। हाँ, उसको फिर बनाते बनाते अभी नया से बनाया। ये चीज़ मैंने सच में नहीं सोची थी कि मुझे मुरे में एक साउथ इंडियन टेंपल मिलेगा। सच्ची बताऊँ, मैंने इंडिया बसता है यहाँ पर। नंद्री अन्ना, ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, ओके, थैंक यू। और अन्ना ने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात और बताई, यहाँ के जो लोग हैं वो टू व्हीलर्स खरीद लेते हैं और 5-6 महीने बाद जब वो पुराना हो जाता है तो जो बर्मीज लोग हैं ना उनको बेच देते हैं, इसीलिए मोस्टली यहाँ पर जो टू व्हीलर हैं उनके ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो म्यांमार के साथ अपने जितने भी ट्रेड रिलेशन हैं, फिर चाहे वो लीगल हों चाहे वो इलीगल हों, मोस्टली मुरे टाउन से ही ऑपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर नहीं करता और वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है। आपको बॉर्डर क्रॉसिंग मिज़ोरम में भी मिलेगी और एक बॉर्डर क्रॉसिंग शायद नागालैंड में भी ओपन हो रही है, लेकिन जो सबसे पुरानी बॉर्डर क्रॉसिंग है और जो यहाँ पर जो ट्रेड का अमाउंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो बाकी बॉर्डर्स को ओवरटेक कर लेता है मेरा। तो गाइस, अभी मेरा साउथ इंडियन खाना खाने का मन हो रहा था, स्पेशली इडली और डोसा। और यहाँ पे जो अपनी तमिल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि एक लक्ष्मी होटल है उसके अंदर आइए। अभी मैं वहीं पे पहुँच गया हूँ। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं पाजी हूँ तो हरियाणा से, रहता हूँ मुंबई में। अच्छा, बॉर्डर देखने आए हो? हाँ, पूरा मिनी इंडिया देखने आया हूँ यहाँ पे। मतलब अपनी तमिल कम्युनिटी के भी लोग हैं, पंजाबी लोग भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, बिहारी भी हैं। आप यहीं पे रहते हो पाजी? कान 1960 के अंदर जब मिलिट्री राज लागू हो गया था बर्मा में। हाँ, उसका नाम जनरल नेविन था। हाँ, जैसे रात को सोते सवेरे सबके जितने भी इंडियन है, हाँ, हिंदू है, मुस्लिम हो या सिख हो, हाँ, सबके ताले जड़ दिया, सील कर दिया था घर को दुकान को, सबको सील कर दिया। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर जितने भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पानी का जहाज भेजा, उसके अपने लोगों को बुलाया। हाँ, कोई कलकत्ता में उतार रहा है, जैसे इन्होंने बोला कोई तमिलनाडु में उतार दिया। तो उसके बाद जैसे इन्होंने सबको बुलाया, लोग बाग बेरोजगार हो गए, आप कुछ नहीं कर सके, सील वो दुकान सील कर दिया, मकान सील है, कहाँ जाओगे? तो इंडिया आ गए, रिफ्यूजी कैंप बना, किन्हीं को प्लॉट दिया, किसी को थोड़ा बहुत दिया। भाई तमिलनाडु वाले देखे उन्होंने कैसे करे, कहाँ जाए, तो घूमते फिरते यहाँ आ गए। यहाँ से बिजनेस चालू कर दिया तमिल लोगों ने। पंजाबी लोग भी उस टाइम 70-80 परिवार थे, तो बाद में ये 90 के बाद मणिपुर में गुरुवादी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से छोड़ के भाग गया, बोला वापस मेरे छोड़ के चला गया। अच्छा, अभी एक सरदार जी मिले थे, वो उनकी स्टेशनरी की दुकान है, हस्बैंड और वाइफ है, उनसे मैं बातें कर रहा था। कह रहे थे आप तो वापस बस, वो भी उधर बर्मा से आए हुए हैं। वो कह रहे थे ये लास्ट में आए थे, ये तो 80 के करीब आए हैं। और आपकी फैमिली पाजी? हमारा तो मतलब मेरे पिताजी आए थे 84 के अंदर यहाँ पर, यही रहते हैं। वैसे पंजाब रोपड़ से हैं हम। रोपड़ से? चंडीगढ़ के पास। मेरे दादाजी गए थे सन 1900 में बर्मा। तो आपको बर्मीज आती है? बोल लेते हैं मुरे है ना, सच में
बहुत यूनिक टाउन है अगर आप बाकी जो बॉर्डर टाउन्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर करोगे तो मुरे के जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, यहाँ के जो डेमोग्राफीज उनको समझने में। थैंक यू अक्का। और ये आ गई हैं अपनी इडली, एकदम वही अपना साउथ इंडियन टेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ के जो ओनर हैं राजेश भाई, उनसे बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि कोरोना से पहले जब बॉर्डर ओपन था तो यहाँ पर काफ़ी बर्मेज कस्टमर आते थे और इनका जो बिज़नेस था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन पैंडमिक के बाद से बॉर्डर बंद हो गया, जो मूवमेंट थी लोगों की उसके कारण से इनके बिज़नेस के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आया। हिंदी में तो गणेश होता है ना, हम लोग तमिल में गणेशन बोलता है। गणेशन अन्ना ने मुझे बताया कि जो सुबह आपने ब्रिज देखा था ना, जो इंडो बर्मिस फ्रेंडशिप ब्रिज जहाँ पे मैं गया था, उस ब्रिज से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो अपनी आई एन एस थी इंडियन नेशनल आर्मी, वो बर्मा से इधर एंटर हुआ था उस ब्रिज को क्रॉस करके। सही बात है, मुझे ये बात पता नहीं थी और मैंने इतना बड़ा फैक्ट मिस कर दिया था। नंडरी अन्ना, 7 बज चुके हैं और इस टाइम तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। मेरा होटल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, तो पैदल जाना पड़ेगा मुझे। पूरा अंधेरा हो गया भाई, स्ट्रीट लाइट लगी तो हुई है लेकिन काम नहीं कर रही है। गाइस अभी मैं आ रखा हूँ एसी होटल के अंदर और यहाँ के जो ओनर हैं एस कुमार जी, इनसे मैं पिछले 2-3 दिनों से बातें कर रहा हूँ, जब से मैं मुरे पहुँचा था। डेली मैं सुबह यहीं पे खाना खा रहा था और इन्होंने भी मुझे मुरे के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आप बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली कक्सिंग का है। तो मुरे में कब से रह रहे हो आप? 60 साल हो गए। ये देखिए यार, क्या बोलते हैं सर इसको? जब से मैं मणिपुर में आया हूँ और स्पेशली मुरे में, तो मैंने ये वाला जो प्लांट है ना बहुत ज़्यादा देखा है। और आप इसे खाने में यूज में लेते हो क्या? सब खाने के लिए। और ये सारा का सारा बर्मा से ही आता है? बर्मा से 80% सब आता है ना। 80% बर्मा से आता है। तो ये स्पेशलिटी है मुरे टाउन की। यहाँ पर म्यांमार से जो लोग स्कूटर परचेज करके लाते हैं उनके ऊपर नंबर नहीं है, और यहाँ पर भी जो लोग ऑटो रिक्शा खरीदते हैं या फिर टू व्हीलर खरीदते हैं, बाइक स्कूटी, उनके ऊपर भी मोस्टली नंबर नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ पर लोग पेट्रोल बर्मा का यूज़ करते हैं, डीजल बर्मा का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अपने इंडिया का पेट्रोल है वो बहुत महंगा पड़ता है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्मा से स्मगल होकर इंडिया में आती हैं, लेकिन इसे आप गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते, ये यहाँ की रोज़मर्रा की लाइफ है और मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो आप जहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी आप वही प्रेफर करोगे। अब मैं लोगों को ये ज्ञान नहीं दे सकता कि आप इंडिया का पेट्रोल यूज़ करिए, इंडिया के पेट्रोल की कॉस्ट है यहाँ पर लगभग 90-95, और जो बर्मा का पेट्रोल है वहाँ पे 60-65 में पड़ता है। 30-35 रुपये का डिफरेंस है पर लीटर, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है मुरे जैसे टाउन में जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम हो बहुत कम है। तो यहाँ पर बात सही गलत की नहीं है, यहाँ पर बात पेट की आ जाती है।